हमारे बीच में। फाइट कर रही नहीं है मेरे साथ ही। कर ला फिर, कर ला अंदर रोको, कर भी कर ला। चलो लफड़ी दो मिनट में तार लपेट रहा खड़ी है। दो मिनट फड़ा ए ए ए ए फड़ मोबाइल फड़ मोबाइल फड़ दो मिनट। चल बोली यार नीचे लाइन चला भाई, गल नहीं चलदा है भैया। भी आके कौन गंदी है ना, कुछ नहीं ना बोल मैं। हमारे जो डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं सबका स्वागत करता हूं, जिसमें हमारे अपने कॉर्पोरेटर साहब हैं अमित गुप्ता जी, हमारे अब्दुल हनीफ जी जो सीईओ है चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं यहाँ के, और रेवरेंट विजय जी जो हमारे सीएनए चर्च के प्रोफेस्टर्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ बाकी हमारे पादरीगण और लीडरगण आए हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, और मेयर साहब का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतना टाइम अपने व्यस्त शेड्यूल से निकाला। तो सभी एक जोरदार क्लैपिंग से हमारे चीफ गेस्ट मेयर साहब का करें स्वागत। मैं हमारे महक कोहली जी जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो और मिसेस इंडिया है उनको मैं स्वागत करूंगा, वो भी आ गए हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड। नीरू वर्मा जी से मैं स्वागत करूंगा कि वो भी आ गए हैं। अनीसा नबी जी उनको मैं स्वागत करूंगा, आप भी आ गए हैं, प्लीज प्लीज मैम प्लीज कम फॉरवर्ड। तो अभी हम यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सब वन आर्म डिस्टेंस ले ले, वन आर्म डिस्टेंस अभी आपके भागने का टाइम है, सभी वन आर्म डिस्टेंस ले, एवरीबॉडी एवरीबॉडी वन आर्म डिस्टेंस, एवरीबॉडी वन आर्म डिस्टेंस, वन आर्म डिस्टेंस। सभी पार्टिसिपेंट्स कृपया ध्यान दें, एक एक हाथ की दूरी बनाए रखें। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं उनको मालूम है जब आपको कवर अप कहा जाता है तो कृपया उतनी दूरी बनाए रखें। अभी हम थोड़ी सी यहाँ पे मैसेज लेंगे मेयर साहब का, उसके बाद फ्लैग ऑफ करेंगे तो आपको भागना है। रूल्स आपको बता दिए गए हैं, रूल्स हैं कि आपको यहाँ से चौक से भागकर जाना है और दो जगह आपको टोकन कलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपको वहां पे पहुंचना है। और मैं साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे वीआईपीस हैं वो सारे यहां से सीधा गैरिसन चर्च में जाए, वहां पे वीआईपीस के लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है। जब तक बच्चे वहां पे पहुंचेंगे तो आप सब वहां पे रिफ्रेशमेंट करें तो बच्चे पहुंच जाएंगे, उसके बाद बच्चों का फैसिलिटेशन का जो फंक्शन है वो शुरू कर देंगे। तो लेट्स हम सबका मैसेज ले लेंगे, छोटा छोटा मैसेज लेंगे। सर फाइट हो जाओ ना सर, लाइव चल रहा बिना रहे। आज का ये कार्यक्रम बस चंद लम्हों में शुरू होने जा रहा है, सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान में। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, इस मैराथन को आज ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया जेएनके क्रिश्चियन सभा एंड डायसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, जिसका उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन को सादगी में जीते हुए नशा मुक्ति और पुरुषार्थ के साथ समाज में सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए एक अच्छा शहरी बनना। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आज हमारा युवा पीढ़ी जो कि जम्मू कश्मीर में 35% है, सामाजिक दिशा और नीति हमारी
युवा पीढ़ी ही निर्धारित करेगी, और इसलिए इन्होंने आईए मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया है ताकि हमारे युवा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, स्फूर्त रहें और समाज में अच्छा कार्य करते रहें और सबको प्रेरणा दें कि हम अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं। आज के इस उपलक्ष पर युवा पीढ़ी को भी ये आह्वान करते हैं कि अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाने के लिए हम अच्छी नीतियों पर चलें और अच्छे व्यवहार का साथ दें, अच्छी व्यवस्था बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब आपके मैसेज के लिए और आपके शुभ शब्दों के लिए। मैं अब बाकी जितने भी हमारे वीआईपीस हैं सर, आज के ये जो प्रोग्राम है उसकी बाइट के लिए मैं सबसे बोलूंगा कि वो बाइट दे दें। थोड़ा पीछे करना था जी सर। जी मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन आल जे एंड के क्रिश्चियन सभा ने किया है इन कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट। युवा पीढ़ी को कैसे नशा मुक्त हम रख पाए और उनका पुरुषार्थ अपने सामाजिक कार्यों में किस तरीके से सुदृढ़ता से सहभागिता लेते हुए आगे हम बढ़े ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज बन पाए और उसमें भाईचारा बना रहे, भाईचारे के साथ साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम करें और अपने प्रदेश को और देश का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्यों के साथ आज ये मैराथन रखी गई है। मैं इन सभी ऑर्गेनाइजर्स को और जो यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना अपना सहयोग इस मैराथन में दे रहे हैं। जी आज जो ऑल इंडिया जे एन के सबमिशन सभा की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया है ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों को एक अच्छी दिशा निर्देश मिल रही है। हमें ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो देश में जो नशा और बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिला देख रहे, तो ये एक अच्छा एक उपरावला किया गया है और हमारी ये शुभकामना है कि हमारे नौजवान पीढ़ी अपने देश का निर्माण करें और एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश में एक ऐसा योगदान दें कि हमारा देश और भी खूबसूरत हो और सभी आपसी मेल मिलाप से रहे। धन्यवाद। और इधर क्या कहना चाहेंगे आज का? नमस्कार, मैं ऑल क्रिश्चियन सभा सभी जितने भी वॉलंटियर्स हैं सर, सभी वॉलंटियर्स जिन्होंने बैच लगाया है, सभी वॉलंटियर सभी रेडी हो जाए, जहाँ जहाँ आपको ड्यूटीज मिली है ड्यूटीज को करें, सभी वॉलंटियर मेरी तरफ ध्यान दें। दो मिनट सर, दोबारा जी सर। ऑल क्रिश्चियन सभा का जो आज ये प्रोग्राम रखा है, जो ऑर्गेनाइजर है, इनकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जम्मू शहर में एक मैसेज गया है और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्यार विश्वास बढ़ा है और देश की आन और शान है, और इनका धन्यवाद करता हूँ पूरा, और हमारे मेयर साहब और अनदर भी हमारे डिप्टी आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिसमें हमारे साथ जी सर, सभी भारत देश और जम्मू कश्मीर युवाओं का देश है और ये जो आज का प्रयास है बहुत बढ़िया है। हमें जो माइक बंद करो, माइक नशा में प्यार से राइड करना है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बच्चे हैं हमारे, ये परेशान है, इसलिए इस तरह के अधिक हो जाते हैं। भाईचारा प्यार लव उनको देना है और उनको दोबारा उसी जगह लाना है जहाँ से वो चले थे, और इस तरह के जो प्रोग्राम है इनको सपोर्ट करना एनजीओ का और हमारा दर्ज है। हम और भी इसको मुहिम में जुड़ेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ और भी लेकर और आज और अच्छे तरीके से हम इसको जो है अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे।
देखिए आज जो जम्मू ऑल जे एंड के क्रिश्चियन सभा डीसी साहब जम्मू श्रीनगर ने ये जो मैराथन का आयोजन किया है जिसमें हमारे ऑनरेबल आमिर साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे पादरी साहब, सारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कॉर्पोरेटर साहब और हमारे के एस ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस मैराथन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज है पूरी सिविल सोसाइटी को और सभी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हमारे बच्चे जो है ये नशे के खिलाफ है, जेके का यूथ जो है वो नशे के खिलाफ है। धन्यवाद। एसपी मैम का स्वागत करते हैं, प्लीज मैम प्लीज ऑन करें माइक, ऑन करो माइक, माइक हेलो माइक, माइक ऑन करो माइक ऑन। हेलो सभी एसपी साउथ हमारी मैडम जी आई हैं, सभी उनके लिए क्लैपी करें जोरदार। मैम बहुत एक्टिव है नशे के खिलाफ और पिछले दिनों इन्होंने भी एक रैली निकाली थी गांधीनगर में, तो मैं मैम का स्वागत करता हूँ, वेलकम मैम। तो अभी हम इसको मैम आगाज करेंगे, जो वीआईपीस हैं, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, केएस ऑफिसर्स हैं और जो हैं उन सबको मैं बोलूंगा मेयर साहब के साथ हम बाहर की तरफ चलें जहां पे हम फ्लैग ऑफ करेंगे और हमारे बच्चे दौड़ेंगे। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस में एक बार फिर से देना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो, बच्चों को बच्चे सारे ध्यान दें, वन आर्म डिस्टेंस ले लें, बड़े बच्चे कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आराम से भागेंगे और वहां पे पहुंचेंगे आराम से, वहां पे टोकन लेने हैं आपको दो जगह पे, एक पेट्रोल पंप गांधीनगर के पास टोकन वाले होंगे और एक लास्ट मोड़ पे आपको टोकन लेने हैं, अगर आपके पास टोकन नहीं होंगे आप क्वालिफाई नहीं होंगे, जो जीतने वाले हैं टोकन नहीं होंगे आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आप सबको टोकन लेने हैं और फिर ही आपको वहां पे पहुंचना है और कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, बड़े प्यार के साथ दौड़ेंगे, प्यार के साथ जाएंगे। ये जीतने का मसला नहीं है, ये मसला है कि हमें ड्रग्स के खिलाफ हमें मैसेज देना है कि हम ड्रग्स के खिलाफ हमारा यूथ निकला हुआ है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, जीवल चौक से हम घूम के सीधा गांधीनगर की तरफ जाएंगे। सबको क्लियर है? यस, जोरदार क्लियर है ना सबको? ठीक है, अभी हम मेयर साहब के साथ और अपने जितने भी ऑफिशियल्स आए हैं, जितने भी हमारे लीडर्स आए हैं, उन सबके साथ बाहर जाएंगे, हम फ्लैग ऑफ करेंगे। जो आज पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सबका एक बार फिर से उत्साह बढ़ाते हुए थोड़ा खुल जाओ सर, थोड़ा खुल जाओ सर, थोड़ा पीछे रह जाओ, थोड़ा खुले हो यार, आप पहले पीछे देखो, पीछे मुझे आ रही जो just fine.
आप पीछे सर आगे थोड़ा खुले हो जाओ।